सो जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये है राम की पैड़ी है, जहाँ पर लाखों दिए जलाए जाते हैं हर दिवाली। तो आइए दोस्तों, यहाँ से चलते हैं राम जन्मभूमि। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आप आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ हैं अयोध्या में, जहाँ पर मैं यहाँ के कुछ मेन प्लेसेस को कवर करने वाला हूँ, जहाँ पर आपको जिसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो शुरुआत करते हैं यहाँ के हनुमान गढ़ी से, जो यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। तो आइए चलते हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी किला, और यहाँ पर हनुमान जी का बहुत भव्य मंदिर है। अंदर ये जो एक ऊंचे टीले पर स्थित है ये, और ऐसा कहा जाता है कि ये राजद्वार और राम मंदिर की रक्षा करते हैं। यहाँ पर एक हनुमान जी का गुफा है, वहाँ पर रहते हैं ऐसा कहा जाता है। मंदिर के अंदर पहुंचने के लिए आपको 76 सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद आपको मात्र 6 इंच की मूर्ति का आपको दर्शन होगा, जो अपनी माँ अंजनी की गोद में विराजमान है। हालांकि दोस्तों, अंदर का वीडियो रिकॉर्ड करने का परमिशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर, और भी कुछ देखते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ नया घाट, और जहाँ पर है राम की पैड़ी। और लेकिन उससे पहले वहीं से बगल में आपको मैं दिखाता हूँ दशहरा है, क्योंकि दशहरा है और मूर्ति विसर्जन हो रही है। पहले उसको दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको लेके चलते हैं राम की पैड़ी दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों सरयू नदी, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मूर्ति विसर्जन हो रही है। तो आइए अब यहाँ से चलते हैं। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये है राम की पैड़ी, और यहीं से शुरुआत होती है अयोध्या की खूबसूरती। और इस जगह पर हर दिवाली लगभग लाखों दिए जलाए जाते हैं, जो आप कभी टीवी पर यूट्यूब वीडियोस में आपने कभी देखा होगा। तो वो इसी जगह पर है, जहां पर लाखों दिए जलाए जाते हैं हर दिवाली। तो बहुत अच्छी जगह है, और यहीं पर एक छोटा सा पॉन्ड भी है, जिसमें सरयू नदी का पानी इसमें लाया जाता है मोटर के थ्रू। दोस्तों इस पैड़ी के, ये इधर पैड़ी है, और इधर इसके जस्ट अपोजिट साइड में पड़ता है सरयू नदी। तो वहीं से इसमें इस पॉन्ड में जल भरा जाता है, पानी लाया जाता है मोटर के द्वारा। तो आइए दोस्तों, यहाँ से चलते हैं राम जन्मभूमि, जहाँ पर है राम लला का मंदिर, और करते हैं वहाँ का दर्शन। राम जन्मभूमि में जो रामलला का मंदिर है, उसका दर्शन तो आसानी से हो जाता है, बट आपको वहाँ पर अपना कोई भी सामान ले जाने
नहीं दिया जाएगा, जैसे कि मोबाइल या और भी कोई सामान है, इवन पर्स तक भी आपको ले जाने नहीं दिया जाएगा। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप पैसा अपने पॉकेट में रख के जा सकते हैं, बट आप अपना पर्स, मोबाइल, घड़ी, कंघी या कुछ भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते। इसी वजह से मैं आपको वहाँ का वीडियो मैं नहीं दिखा सकता। और उसी के जस्ट बगल में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें अभी नींव लगभग भर चुकी है। वहाँ पर कुछ ही दिनों में पूरी तरह से वो कंप्लीट हो जाएगी नींव, फिर उसके बाद यहाँ का और प्रोसेस जारी रहेगा। अभी लगभग पूरा मंदिर बनने में लगभग 2 साल है। ये था दोस्तों आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और वीडियो लेकर देखते रहिए यात्रा चैनल। नमस्कार।